और मंडलायुक्त सुश्री रोशन जैकब जी स्वागत करेंगी श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी का। और एक बार मंचासीन समस्त महानुभावों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और अब मैं अपने उद्बोधन से सभी के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रही हूं आदरणीय मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी को। मंच पर आसीन रॉकेट वुमेन के रूप में जाने जाने वाली और अभी हाल में पूरे दुनिया में चंद्रयान मिशन के माध्यम से भारत की वैज्ञानिक ताकत को पहुंचाने वाली लखनऊ की हमारी लाडली डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव जी, अपने बुनकर के शक्ति से, अपने उस गुण से श्रीमद् भागवत गीता और तमाम सारे ग्रंथों को कपड़े पर उधारने वाली पद्मश्री सुश्री हेमप्रभा उतिया जी, एससीएल की चीफ और विमेन पावर के लिए, तमाम सारी नारी शक्ति के लिए, तमाम सारी शिक्षा जगत में कार्य करने वाली श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी, हमारी महिला एवं बाल कल्याण विभाग की माननीय मंत्री जी, मंच पर आसीन हमारे तमाम सहयोगी अधिकारीगण, आज के इस मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के शुभारंभ में उपस्थित माननीय मेयर साहिबा, माननीय विधायकगण, हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण, पूरे हमारे प्रदेश से आए हुए तमाम सारी नारी शक्तियां, आप जो पुलिस के इतने सारे हमारे नारी कांस्टेबल्स जो नजर आ रही हैं, और देवियों सज्जनों, कल शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है, इसमें हम प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हमारी भारतीय संस्कृति की धारणा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहीं पे देवता देवी देवता निवास करते हैं। इसको साकार किया है हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 2020 में उन्होंने मिशन शक्ति का शुभारंभ किया अक्टूबर 2020 में, और आज सुबह सुबह 8:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8:30 बजे अपने निवास से एक इस नारी शक्ति की अवधारणा को साकार करने के लिए, लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए आज लखनऊ में एक रैली का शुभारंभ किया, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हमारे प्रदेश के हर जनपद में ठीक 8:30 बजे इस प्रकार की रैली निकाली गई, जिसमें हमारी प्रदेश की जो कांस्टेबल्स हैं, आज 40,000 से ज़्यादा हमारी विमेन कांस्टेबल्स हैं, उनके द्वारा तमाम सारे इलाके में जाकर के नारी शक्ति का, नारी का जो सम्मान का, उसको लोगों को प्रदर्शित किया गया, उसके लिए जागरूक किया गया। और आज अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत ये हमारे मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें सारे के सारे सरकार के जितने अंग हैं, सभी अंगों के द्वारा किस प्रकार से हम उस शक्ति को, जो आज NFHS 4 में जो हमारा सेक्स रेशियो था, लिंगानुपात था 994 का, आज उत्तर प्रदेश में NFHS 5 के द्वारा वो अनुपात 1017 का हो गया, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है, जिसका एक शुरुआत किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक आंदोलन के रूप में पूरे देश में शुभारंभ किया था, और उसके बाद तमाम सारी भारत सरकार ने योजनाएं शुभारंभ की, चाहे जननी सुरक्षा से रिलेटेड हो या उनके स्वावलंबन से रिलेटेड हो, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 के बाद से हमारी बच्चियों के लिए, नारियों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए
तमाम सारी ऐसी योजनाएं बनाई जिसकी वो उनका सशक्तिकरण हो सके और उनका पूरा का पूरा योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ने में उसका हो सके। इसका ही नतीजा है कि आज जिस प्रकार से हमारा प्रदेश बढ़ रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि हमारा देश 2047 में जब आजादी का सौवीं शताब्दी मना रहा होगा, उस समय हमारा देश एक विकसित देश होगा। एक विकसित देश में नारियों का सम्मान, नारियों का पूरा योगदान बहुत आवश्यक है और उसके लिए जो हमारा एक विकसित देश होगा उसमें विकसित प्रदेश की नींव माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 से लगातार नारियों के बारे में, बच्चियों के बारे में, ऐसी तमाम सारी योजनाओं का, जिसको आप अभी एक फिल्म के माध्यम से देखेंगे, प्रदेश में संचालन किया। और इस प्रकार का एक बहुत बड़ा अभियान, और वो अभियान एक विभाग का नहीं बल्कि होल ऑफ गवर्नमेंट, सारी की सारी सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश के 57,000 से ज़्यादा गाँव में, हमारे प्रदेश के 762 नगर निकायों में, और हर वर्ग में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, डिग्री कॉलेज हो, या हमारे जो जहाँ पे हमारे फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, औद्योगिक स्थानों में, या जो व्यापार मंडल है, सभी जगह जाकर के उनके सम्मान के बारे में, उनके बारे में, कि जिससे लोगों के मन में सम्मान बैठे और उनका पूरा पूरा योगदान हो। आज हमारे देश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नारियों का योगदान नहीं है, चाहे वो अंतरिक्ष के बारे में हो। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी माननीय ऋतु जी यहाँ मौजूद है, चाहे वो अंतरिक्ष के बारे में हो, चाहे वो जो समुद्र विज्ञान के बारे में हो, चाहे वो हमारे सशस्त्र सेनाओं के बारे में हो, चाहे वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में हो, पुलिस फोर्स के बारे में हो, खेल के मैदान में, अभी हाल में जो एशियाड गेम्स हुआ, या जो इसके पहले हमारे जो तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय गेम होते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा सम्मान लाने का काम हमारी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसको समझ करके जब उनका योगदान होगा, जबकि आज वो आधे से कहीं ज़्यादा आबादी है, उनका जब सब जगह योगदान होगा, तो हमारा प्रदेश निश्चित तौर पर, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्पना की है, उन्होंने एक सपना देखा कि हम अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम $1 trillion इकोनॉमी से ऊपर लेकर के जाएंगे, और वो भी एक निश्चित अवधि में। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि प्रदेश के हर नागरिक को एक उनके लिए अच्छी गुणवत्ता की जिंदगी देंगे, प्रदेश के हर नागरिक को वो अवसर देंगे जिससे कि वो अपनी क्षमता के मुताबिक जिस किसी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बेस्ट से बेस्ट कर सके। और इसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आज इस बात का एहसास है, या दुनिया में भी इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ रहा है। तो उसी का आज शुभारंभ उसी हस्ती के द्वारा, उसी महानुभाव के द्वारा, जिन्होंने ऐसा बड़ा सोच, यत्र नारस्त पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता, उस अवधारणा से जो शुरुआत की है, और उसका आज वो शुभारंभ करेंगे। और मैं आशा करता हूँ और ये अपेक्षा भी करता हूँ कि हमारे प्रदेश के हर विभाग, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभारंभ किया जाएगा, उसके आधार पर हर क्षेत्र में जाकर के, जो चाहे भारत सरकार की योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ सबको देंगे, और उसको लाभ से उनकी जागरूकता बढ़ा करके उन्हें जानकारी देंगे कि कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो उनकी सुरक्षा के बारे में जो भी हमारी व्यवस्था, चाहे 181 की व्यवस्था हो, 1090 की व्यवस्था हो, चाहे 112 की व्यवस्था, उसके बारे में जानकारी देंगे कि कैसे उनको किसी भी प्रकार की, चाहे घरेलू हिंसा से लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनके प्रति ऐसा कोई गलत नजर से नहीं देख सकता, उनके प्रति कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। तो उनकी सुरक्षा भी, उनका सम्मान भी, और उनका स्वावलंबन, हर प्रकार की हमारी योजनाओं में जुड़ करके वो अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा हमारे प्रदेश के हर विभाग के द्वारा ये किया जाएगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज जो ये इतना बड़ा कार्य हमारे प्रदेश में, और वो भी अपने चौथे चरण में, तीन चरण पहले पूरे हो चुके, चौथे चरण में आज इसका शुभारंभ होने जा रहा, और तीन ऐसी महान हस्तियों के लिए जो कि हर महिला के लिए, हमारे प्रदेश के हर एक, जो हमारी बच्चियों के लिए एक आइकॉन है, एक आदर्श है, उनकी उपस्थिति में आज शुभारंभ होने जा रहा है। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका चरण वंदन करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य लिया है, और इस बात को मैं आप सबसे
अनुरोध करूंगा कि इसको हम लोग पूरे पूरे इसके उस मुकाम तक पहुंचाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे प्रदेश के बारे में अपेक्षा है। मैं एक बार दोबारा आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने विस्तार से इस अभियान के बारे में जानकारी दी। और अब बारी है उन विशिष्ट शक्ति स्वरूपा नारियों के सम्मान की, जिन्होंने अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से अपने स्वर्णिम हस्ताक्षर किए हैं भारत की गौरव गाथा में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सब की ओर से उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहले मैं नाम ले रही हूँ शक्ति स्वरूपा श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी का, जो वैश्विक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुविख्यात नाम है। HCL की चेयरपर्सन हैं और उन शिव नाडर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं। आपकी कंपनी राष्ट्र और समाज के नवनिर्माण में लगे विभिन्न संगठनों को $1.2 बिलियन का आर्थिक सहयोग देती है और व्यावसायिक कौशल के साथ साथ मानव कल्याण के लिए आप विद्या ज्ञान एकेडमी द्वारा सुदूर ग्रामीण अंचलों के बालक बालिकाओं की शिक्षित कर उनके अंदर नेतृत्व क्षमता को भी विकसित करती हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक संपदा के संरक्षित रखने के लिए द हैबिटेट ट्रस्ट की स्थापना के द्वारा सस्टेनेबल इकोसिस्टम के लिए भी कार्य कर रही हैं। और साथ ही आपने शास्त्रीय संगीत की भी विधिवत शिक्षा ली है। आपका सम्मान करके हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं ODOP के प्रोडक्ट द्वारा। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ पद्मश्री श्रीमती हेमोप्रोवा सूतिया जी को, जो सुविख्यात बुनकर कलाकार हैं। असम में जन्मी और परिवार की विषमताओं को पार करके जिन्होंने अपने हस्त कौशल से हथकरघा के माध्यम से वस्त्र पर गीता को अनेक भाषाओं में उकेरा है और नागमुखा और गुणमाला को भी अंकित किया है। नारी की जीजीविषा का प्रतीक है आप। प्रत्येक नारी के सपनों को रेशम के धागों में पिरोकर नई जीवन की गाथा लिखने का आह्वान किया है। आपको सम्मानित करके हम स्वयं सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। और अब मैं आवाज दे रही हूँ शक्ति स्वरूपा श्रीमती ऋतु करिधल श्रीवास्तव जी को, जो रॉकेट वुमेन के नाम से जानी जाती हैं और हमारे लखनऊ की बेटी हैं। मंगलयान और चंद्रयान 3 की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया और लखनऊ नहीं, प्रदेश नहीं, भारत का नाम रोशन किया। आप सबको अनेकों सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है और भारत को चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में आपने अपना योगदान दिया। जोरदार तालियों से उनका सम्मान, अभिनंदन और वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता का प्रसारण हम सब देख रहे थे। पूरा देश रोमांचित था, प्रार्थना से भरा हुआ था और जिस पल सफल लैंडिंग हुई पूरे भारत में एक पर्व सा बन गया। और उसकी जिम्मेदारी थी श्रीमती ऋतु करिधल श्रीवास्तव जी की। सबसे पहले मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर बहुत ही विनम्र हैं और आह्लादित थी मेरी व्यक्तिगत बातचीत में कि सबसे अच्छा लग रहा है कि प्रदेश में मुझे सम्मानित किया जा रहा है, मेरे अपने घर में सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही आदर के साथ मैं श्रीमती ऋतु करिधल श्रीवास्तव जी से, जो रॉकेट वुमन है, अनुरोध करूंगी कि आएं और अपने उद्गार व्यक्त करें। आपकी तालियों का संगीत भी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विशिष्ट गण, समस्त गण और महिलाएं, बहुत अच्छा लग रहा है इतनी सारी महिलाओं को देखकर। ये एग्जाम्पल है सशक्तिकरण का। बहुत बहुत सादर नमस्कार सबका। सर्वप्रथम मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जिन्होंने ये सम्मान दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ये सारे मिशन्स जो होते हैं अपने आप में, जैसे आप चाहे मंगलयान हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, चंद्रयान 3 हो, इन सब में
विशिष्ट बात यह होती है कि अपने आप में एक यूनिक मिशंस होते हैं। इनके पहले हमारे पास कोई हेरिटेज नहीं होता, हमें ये पता नहीं होता, पहले से कोई बुक नॉलेज नहीं होती, कहीं कुछ लिखा नहीं होता कि आपको कैसे ये मिशंस कैरी आउट करने हैं। लेकिन फिर उन चुनौतियों को समझना, उनके उस आधार पे अपना एक प्लान बनाना, और मुझे बहुत खुशी होती है, मैं देख रही थी मिशन शक्ति जो लॉन्च हुआ है फेज फोर, और वो किस तरह से उसके जो स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं, कैसे कार्यान्वित करना है हर चीज़ को, वो बहुत कुछ सिमिलर लगा मुझे जो हम अपने प्लानिंग में या मिशन में करते हैं। सबसे पहली बात कि हर चीज़ को एक मिशन मोड में करना, क्योंकि मैं कुछ एक उदाहरण अगर समय हो तो देना चाहूँगी कि जो चुनौतियाँ हमने और मेनली जो महिला वैज्ञानिकों ने काम जो उन्होंने अपना योगदान दिया, सबसे पहले आपको पता है मंगलयान, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि हमें इस पूरे मिशन को सिर्फ 18 महीनों में पूरा करना था, क्योंकि अगर आप 18 उन समय में पूरा नहीं करेंगे तो मंगल फिर अपनी जगह से और इस तरह से उसकी ज्योमेट्री बन जाएगी कि फिर 2 साल तक आपको फिर वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और सबसे खास बात ये थी और सबसे चुनौतीपूर्ण बात यह थी कि जब हम ऐसे मिशन लेते हैं जो बहुत डीप अंतरिक्ष में, बिल्कुल गहन अंतरिक्ष में दूर जाना होता है, तो आप कोई चीज़ माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि हमने उसको एक कमांड दिया, उसने उस कमांड सैटेलाइट या प्रोब ने उस कमांड पे अपना काम किया, बल्कि क्योंकि जाने और आने में ही 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, तो जब तक आप किसी को कुछ कमांड देंगे तब तक कुछ हो चुका होगा या कोई भी कमी उस समय किसी सिस्टम पे आ रही होगी, वो आपको जानने में ही 25 मिनट लग जाएंगे या 12 मिनट लग जाएंगे और 12 मिनट और उसको ठीक करने में। तो ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकते थे। तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना जो अपने आप में सेल्फ डायग्नोस्टिक कर सके, अपनी कमियों को खुद पहचान सके, उसके बाद उसको उसी समय किसी रिकवरी कर सके, और फिर उसके पूरे फंक्शन से उसे बिना किसी रुकावट के आगे चल सके। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ये बताते हुए कि ये जो ऑटोनमी जिसे हम बोलते हैं, इस पूरे ऑटोनमी को पूरा चार्ट आउट करने में, इम्प्लीमेंट करने में, टेस्टिंग करने में महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उस समय में उस प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट मैनेजर थी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि एक प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार करना और उसके बाद सारे हर अलग अलग तरीकों की को समझना, उनको इम्प्लीमेंट करना, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात, मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगी कि चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन के बाद जब हम चंद्रयान पर पहुँचे तो सबसे बड़ा हमारे लिए था कि और देशों ने ऑलरेडी अपने सैटेलाइट या अपने प्रोब लॉन्च कर चुके थे, लेकिन वो सब गए थे चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन पर, बहुत पास में, इक्वेटर के बहुत पास, लेकिन हमको तो जाना था बहुत दूर साउथ पोल की तरफ, क्योंकि वो एक बहुत एक ऐसी अद्भुत जगह है, एक ऐसी चुनौतीपूर्ण जगह है। अगर आप उसके कोई मैप से इमेजेस देखेंगे, इतने सारे क्रेटर्स, बोल्डर्स, ऊंचे हिल्स, उनकी बड़ी बड़ी परछाइयाँ, शैडोज, आप किस कहीं पर भी लैंड करेंगे तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि वहाँ पर हमें सूर्य की ऊर्जा मिल रही है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी जो आपके लिए एनर्जी का सोर्स है वो है सूरज। अगर हम वो नहीं पा पाएंगे तो हमारा मिशन फर्स्ट डे पे ही फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले उस जगह को ढूंढना जहाँ पे हमें लैंड करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझ पे और हमारी टीम पे थी, एंड ये भी एक कई महिलाओं ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर उस जगह को ढूंढा, साथ में पुरुष वैज्ञानिक भी थे, सबने मिलके किया काम, लेकिन वो जगह वहाँ जो एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से बहुत महत्व रखती है, उस जगह को ढूंढना और उसके बाद ऐसे डिज़ाइन बना करना कि सैटेलाइट सक्सेसफुली लैंड कर सके। हाँ, चंद्रयान 2 में हमें थोड़ी बहुत पास जाकर हम थोड़ा असफल हुए, लेकिन उस असफलता ने हमें जो लेसन्स दिए वो हमारे वेल्थ ऑफ नॉलेज था, क्योंकि उसके पहले हमारे पास ऐसा कुछ लिखित में नहीं था कि क्या हो सकता है, बहुत सारे अननोन्स होते हैं। आप उस चीज़ को तो आप टैकल कर सकते हैं जो पता है हो सकती है गलत, लेकिन कुछ चीज़ आपको पता ही नहीं है कि गलत हो सकती है। तो
तो वो लेसन्स हमने लर्न किए और फिर हमने चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट किया और फिर यस 23 अगस्त शिव शक्ति पॉइंट पर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ। तो मुझे ये देख कर भी बहुत अच्छा लगा कि मैं जब पढ़ रही थी मिशन शक्ति का और इतनी सारी महिलाएं देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने इतने अच्छे स्टेप्स लिए हैं पूरी महिलाओं को एक एक प्रॉपर चैनल देने का, सशक्तिकरण का। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं एक सफल योजना के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती ऋतु करिधर श्रीवास्तव जी, आपने विस्तार से अपने अनुभवों को हमसे साझा किया और करवा चौथ पर अब तक जिस चांद की हम लोग पूजा करते थे आपने सचमुच में उसका वास्तविक दर्शन भी करा दिया। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ पद्मश्री श्रीमती हेमो प्रोवा सुतिया जी को, जो सुविख्यात बुनकर कलाकार हैं और सचमुच नारी की जिजीविषा का प्रतीक हैं। आपने अपने सपनों को रेशम के धागों से पुरो कर हथकरघा के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथ को उकेरा वस्त्र पर और एक आह्वान किया कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ पद्मश्री श्रीमती हेमा प्रभा सुतिया जी को, आए और अपनी बात हमसे साझा करें। तालियां आपकी संगीत का आभास देती हैं। पहले सबको प्रणाम। आज यह मंच प्रतिष्ठ उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी साथ साथ सम्मानित जनों और यहाँ आए हुए सभी को मेरा प्रणाम। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी मुझे असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान जैसे एक सूते जगह से लेकर जो सम्मान दे रहा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उनको धन्यवाद देते हैं। मैं पहली बार हिंदी बोल रहा हूँ, गलत मतलब निकल गया तो माफ करिए। मैं कोई बड़ा काम करके नहीं आया हूँ, मैंने सिर्फ कपड़े बना वो भी पुराने ट्रेडिशनल हैंडलूम ने। अब देखिए यहाँ पूरे इंग्लिश में यहाँ पहुँच गया, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि काम कोई भी हो सूता बड़ा नहीं हो। मैं तो कब विचार नारी शक्ति महान शक्ति नारिये सृष्टि करे, नारिये ध्वंसो करिबो पारे बुलि कय, नारिये पालनो करे, नारिये सकलो करिबो पारे। आजि नारिये कि करा नाय, भारतर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आरो किचनर गृहिणीर पुरा सन्तान जन्म दि
लालन पालन करी डांगर करा लेके एगराकी नारीये करिबो पारे गतिके लई आमार नारी केतियाव दुर्बल नहय नारी मय भाबो नारी हदाय हबल आरो आजि मय उत्तर प्रदेशत थिय होय कब बिचारिसु आमार उत्तर प्रदेशर नारी ভারতবর্ষৰ ভিতৰত অতিকৈ হবল গতিকেলৈ আমাৰ আজি এই উত্তৰ প্ৰদেশত আমাকো অসমৰ পৰা আনি একেলগে এনেধৰণে বহিবলৈ দি অকণমান মৰম যাছিলে তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজীক ভগৱানে কৃপা কৰক আৰু তেখেতক এনেধৰণে আমাৰ নিচিনা মানুহক বিচাৰি আনি মৰম যাচিবলৈ তেখেতক ভগৱানে দেহত শক্তি মনত বল দিয়ক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আমি আপোনালোকে অৱগত তথাপিও কওঁ আমি পাঁচখন ধৰ্মগ্ৰন্থ তাতৰ হালত তুলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এয়া মই নিজে কৰা কাম নহয় এয়া ভগৱানৰ অৱদান আজি জি এই ভগৱানৰ অৱদানৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী সন্মান আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰে অসম গৌৰৱ সন্মান যাচিলে এই সন্মান কেতিয়াও আমাৰ নহয় এই সন্মান ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ সন্মান আজি মই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ ওচৰত আমাক জি মৰম যাচিছে সন্মান যাচিছে হেয়া আমি উৎসৰ্গা কৰিছোঁ যি কি নহওক ভাল লাগিছে আজি এই স্থানত উপস্থিত হ'বলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ মই অতি সাধাৰণ এগৰাকী মহিলা মই বহুত শিক্ষা দীক্ষা মোৰ নাই মই এজনী তাঁত বোৱা মানুহে গতিকেলৈ সাহিত্যিক ভাষাৰে আপোনালোকৰ আগত মই তেনেকুৱা ভাষণ দিব নোৱাৰোঁ আৰু হিন্দীত ক'বলৈও অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ হবক অসমীয়াতেই মোৰ নিজৰ ভাষাতেই আপোনালোকক এই কথাখিনি ক'লোঁ আৰু যদি ইয়াত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ হ'লেও বুজি পাইছে গতিকেলৈ আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজীক মোৰ ভাষা নাই কি বুলি মই ধন্যবাদ জনাম মুখ্যমন্ত্ৰীজীক পুনৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু এই মঞ্চত উপস্থিত সকলো আৰু আমাৰ সম্বৰ্ধিত ব্যক্তিসকল আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াবৰ্গ সকলোলৈকে মই পুনৰবাৰ প্ৰণাম জনাই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ শ্ৰীমতী হেমপ্ৰভা সুতিয়াজী सचमुच भाषा संवाद में कभी बाधा नहीं बनती हमें भाषा नहीं समझ में आई लेकिन उनके भाव हमारे हृदय तक पहुंच गए फिर भी उनके बेटे यहां पर हैं जो संक्षेप में आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी बात किस तरह से आपके सामने रखी सबको नमस्ते उसने ये बताया है कि काम का कोई सुतावरा नहीं होता है जो भी काम हो आपको जो काम आता है उसी को आप लोग लगन से निष्ठा से एकाग्रता से आगे लेकर जाइए भगवान की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगा उन्होंने जो काम किया है वो उन्होंने नहीं किया है उनके साथ भगवान का कृपा है इसीलिए वो कर सकते हैं और आपको वो भगवान के सामने उसने प्रार्थना किया है कि आप उत्तर प्रदेश का जो महिलाएं हैं वो भारत का सबसे आगे बढ़ने वाला महिला हो जाए ऐसा हो धन्यवाद धन्यवाद आपका और साथ ही साथ हम सब समझ गए कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी दिया और एक माँ के रूप में उन्हें आशीर्वाद भी दिया था ये उनकी भाव भंगिमा बता रही थी और अब मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूं जिन्होंने वैश्विक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने स्वर्णिम हस्ताक्षर किए SCL की चेयरपर्सन श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी जिन्होंने
व्यावसायिक कुशलता से तो अपने स्वर्णिम हस्ताक्षर किए ही, साथ ही साथ मानव कल्याण के लिए भी शिक्षा देने के माध्यम से नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करने के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी कार्य कर रही हैं और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी आप कार्य कर रही हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब नारी समृद्ध होती है तो दुनिया समृद्ध होती है, और इस बात को साकार किया है श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी ने कि भारत की समृद्ध, सबसे समृद्ध नारी के रूप में विश्व की 100 समृद्ध नारियों के बीच 55वें स्थान पर अपने नाम को 6 वर्षों से अंकित करके रखा है। उनके लिए जोरदार तालियां। मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि अपने अनुभवों को हमसे बांटें। तालियों का संगीत अगर हो तो बहुत अच्छा हो। थैंक यू। मेरी स्पीच इंग्लिश में लिखी है, लेकिन अब मैं भी हिंदी में कोशिश करूंगी। बट पहले मेरे को थैंक यू इंग्लिश में बोलने दीजिए फिर। सो गुड मॉर्निंग डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड वेलफेयर बेबी रानी मौर्य जी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश DS मिश्रा जी, IIDC एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायत राज मनोज कुमार सिंह जी, ऋतु जी एंड हेमू जी, thank you, and it is such an honor to be here and stand before all of you at the UP government's mission shakti 4.0 launch. Thank you so much for the honor, and I thought ki main aapko do teen kahaniyan batati hu. HCL इंडिया की ओनली टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है जिसका जन्म यहाँ यूपी में हुआ। बाकी सारे जो कंपनीज हैं जिनके नाम आप जानते हैं आइदर साउथ में हुए थे और या तो वेस्ट इंडिया में हुए थे। माय फादर शिव नाडर वो साउथ के हैं, लेकिन उनकी करियर PSG टेक्नोलॉजीज कोयम्बटोर से ग्रेजुएट करके उनको जॉब यहाँ DCM में मिली थी नॉर्थ में, तो वो नॉर्थ में आए। फिर वो मेरे मदर से मिले, उनका लव मैरिज था, मेरी मदर थी पंजाबी, तो उन्होंने कहा वो तो साउथ इंडिया नहीं जा रही, इसलिए HCL का जन्म यहाँ हो गया। और HCL की जन्म की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1976 में मेरे फादर भी एक यंग एंटरप्रेन्योर थे। आजकल तो आप न्यूज़ में पढ़ते हैं सब स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, और जब स्टार्टअप्स के लिए करते हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मनी रेज करते हैं और फिर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, और आज उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। 1976 में बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो द ओनली पर्सन एंड द ओनली प्लेस जो मेरे फादर को कैपिटल दे सकते थे सपोर्ट करने के लिए थे, वो थे यूपी गवर्नमेंट, और किसी ने उनको पैसे नहीं दिया। तो जब वो यहाँ आए उनका पहला सीट कैपिटल यूपी गवर्नमेंट से था, और HCL के पहले कंपनी का नाम था अपट्रॉन, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स, और ऐसे HCL की जन्म हुई। और फिर एक दो साल बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि HCL के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थे उनको पूरे हिंदुस्तान में सेल करने थे, तो उन्होंने नाम बदल दिया और फिर उसका नाम था हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बन गया HCL। सो HCL का जन्म यहाँ हुआ यूपी में, नोएडा में, और टुडे आई कैन से कि HCL टेक्नोलॉजीज उत्तर प्रदेश में इज़ प्रोबेबली द लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर, एटलीस्ट टेक्नोलॉजीज़ में। हम यहाँ स्टेट में मोर देन 45,000 पीपल एम्प्लॉय करते हैं। जो बहुत ही अच्छा है, ऑफ दोज 45,000 पीपल एटलीस्ट 29% वुमेन हैं, एंड दैट इज अमेजिंग। एंड ऑल्सो यहाँ यूपी में जब वुमेन अपने मिड करियर में ब्रेक लेते हैं बिकॉज फॉर फैमिली प्लानिंग, एटलीस्ट 99% ऑफ देम एक्चुअली कम बैक टू वर्क, यू नो, आफ्टर टेकिंग वन और टू ईयर्स ऑफ।
So we are very proud of it, at least for HCL. Just the support Uttar Pradesh has given HCL for the last 43 years, you know, hum state mein hai, hum state mein hamesha rahenge. So, hamara yahan bhi campus Lucknow mein, we have 13,000 people. I think yahan Lucknow mein bhi, it's probably the largest campus, at least technologies campus. And Noida mein, of course, we have our largest campus there also. So, ye thi HCL ki story. मैं मूव करती हूँ. हम बहुत सारा काम करते हैं HCL फाउंडेशन में, लखनऊ में भी करते हैं, नोएडा में भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में, हरदोई में भी करते हैं, कछौना में भी करते हैं. वहाँ भी जो भी हमारा फाउंडेशन का काम है, एटलीस्ट 53% ऑफ बेनिफिशरीज जो हमारे HCL फाउंडेशन के हैं वो हैं वुमेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. एंड वो काम, हमारा कमिटमेंट बढ़ी रहा है हर साल के बाद. और जो हमको लोकल सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, यहाँ जो ऑन द ग्राउंड इनिशिएटिव्स हैं, फाउंडेशंस जो लोकल यूपी के फाउंडेशंस हैं, इनसे जो सपोर्ट मिल रहा है, आई थिंक ये हमारा जो इनिशिएटिव है ये बढ़ता ही रहेगा. तीसरा पिलर जो है वो है शिवनाडर फाउंडेशन. शिवनाडर फाउंडेशन की भी जो लार्जेस्ट फोकस है, हमारे मोस्ट इंस्टीट्यूशंस यहाँ उत्तर प्रदेश में है. शिवनाडर यूनिवर्सिटी है, शिवनाडर स्कूल है, और मेरा फेवरेट जिसकी चेयर मैं ऑल्सो हूँ, विद्या ज्ञान लीडरशिप अकेडमीज. हमारा एक विद्या ज्ञान कैंपस है बुलंदशहर में, एक है यहाँ सिधौली में. और विद्या ज्ञान की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, आप शायद बहुत लोग जानते हैं. रेजिडेंशल स्कूल है, 100% स्कॉलरशिप्स फॉर द मोस्ट मेरिटोरियस ग्रेड 6 के बॉयज़ और गर्ल्स जो रूरल यूपी से आते हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं. बट इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, जब हमने विद्या ज्ञान स्टार्ट किया था 2009 में, हमारे पास सिर्फ 10,000 एप्लीकेशन थे. और बिकॉज हम एजुकेशन बिल्कुल फ्री दे रहे थे, सब कह रहे थे दाल में कुछ काला है, फ्री क्यों दे रहे हैं. तो आई सेड बिकॉज यहाँ टैलेंट है, और हमको पता है टैलेंट है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कंपनी है और 30% वुमेन है, बाकी यंग मैन है, तो हमको पता है कि टैलेंट है. और मिस्टर नाडर ने भी अपनी जर्नी यहीं शुरू की थी. सो फ्रॉम डे वन, फिर मैं थी कहीं और उन्होंने कहा था कि आप यहाँ स्कूल शुरू कर रहे हैं, लेकिन यूपी में आप क्यों शुरू कर रहे हैं, लोग तो अपनी लड़कियों को भेजेंगे नहीं. तो आई सेड क्यों नहीं भेजेंगे, नहीं नहीं उनको ज़्यादा तो बॉयज़ को ही भेजेंगे. डे वन 10,000 एप्लीकेशन, 40% गर्ल एप्लीकेशन. ओके, दिस ईयर जब हमने हमारे विद्या ज्ञान में इनटेक लिया था, 55% आर गर्ल्स मेरिट में. तो 55% गर्ल्स हैव कम एंड 45% बॉयज़. तो बॉयज़ का प्रॉब्लम है बट नारी शक्ति. एंड मैं आपको तीन हमारे स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगी. हमारे सेकंड बैच में एक लड़की थी मानवी अमरोहा से थी, विद्या ज्ञान में थी. हमारी फर्स्ट स्टूडेंट जिसको 100% स्कॉलरशिप मिला था वेल्सली कॉलेज अमेरिका में, ऑल गर्ल्स कॉलेज, उसको 100% स्कॉलरशिप मिला था. और वो वेल्सली गई, उसने अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस में की, और अब वो न्यूयॉर्क में एक जॉब कर रही है. उसका फैमिली अभी भी अमरोहा में है. और इट वाज वेरी फनी, क्योंकि 2 साल पहले मैं न्यूयॉर्क में थी, तो मैंने मानवी को ईमेल किया कि मानवी मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम फ्री है, चलो कॉफ़ी के लिए मिलते हैं. उसने मेरे को मैसेज किया, रोशनी दीदी मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं आपको अभी मिल नहीं सकती. So it was great. She's doing very well. Second student, Ansuya. 2021 mein, Ansuya was CBSE national topper. National topper. So Vidya Gyan obviously had a national topper, but she was national topper of India, Ansuya. And after that, she went on to do her undergraduate here in India only. Third student, this year, Dakshayani. Has gotten a 100% scholarship to do bioengineering in Stanford University.
and she has just joined. So I'm just so proud to be here, to be with all you women. Uttar Pradesh mein taakat hai, unki nariyon mein aur bhi taakat hai. Aur thank you so much for this honor. And I am very honored to share this with Ritu ji and with Hemu ji. And thank you, Yogi Adityanath ji, for this honor. And thank you. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी. आप तीनों के अनुभवों ने हम सबको, सभी नारियों को एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा दी है. एक बार तालियों के साथ पुनः इन सबका अभिनंदन. माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पूरी प्रतिबद्धता के साथ महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही हैं माननीय महिला कल्याण मंत्री माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्या जी. हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें. मंच पर आसीन हमारे बहुत ही यशस्वी बहनों का ध्यान रखने वाले, बेटियों का ध्यान रखने वाले ऐसे योगी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और तीन बहनें हमारी जो शक्ति स्वरूपा हैं, जिन्होंने अभी अपने विचार रखे. ऋतु जी ने तो हमें सही में चांद तक पहुंचा दिया, सोच भी नहीं सकते थे हम लोग. और जिस तरह प्रमोद जी ने अपनी बात रखी और इसके बाद श्री नादर की हमारी बहन ने अपनी बताया. मैं आगरा में भी ये काम कर रही हूँ, मेरे क्षेत्र में ग्रामीण में लगभग 600 बच्चियों को शिक्षा मिल रही है वहाँ, मैंने अभी आपको बताया भी ये, और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं. और अभी कई नाम लिए जो कितनी ऊंचाइयों तक पहुँची हैं. अगर सही बात है बेटियों को सपोर्ट मिले तो वो क्या नहीं कर सकती. हमारे सभी प्रमुख सचिव, सचिव मेरी प्रमुख सचिव सभी बैठे हैं और यहाँ उपस्थित मेरी सभी आंगनबाड़ी की शक्ति स्वरूपा बहनों, जो आपके कारण हमारा काम गांव-गांव तक, उन बच्चों तक पहुँच रहा है, उनको हम पुष्टाहार दे रहे हैं, उन गर्भवती महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, धात्री महिलाओं की चिंता कर रहे हैं. और ऐसे मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी कोई हुए और आगे भी आएंगे. जितना काम ये कर रहे हैं बहनों के लिए, जितना मैं जाती हूँ, कल भी मैं ललितपुर झांसी में थी और जिस तरह बहनों ने तारीफ़ की हमारे मुख्यमंत्री जी की, मैं तो बहुत अभिभूत थी. और अभी भी जो काम हो रहे हैं, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और चौथा जो चरण है शुरू करने जा रहे हैं नारी शक्ति मिशन का, अब हम लोग आश्वस्त हैं. अभी जैसे प्रमुख सचिव जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहेंगे कि बेटियां हमारी बिल्कुल सुरक्षित हैं. हमारे फोर्स के सभी अधिकारी बैठे हैं, विभागों के अधिकारी बैठे हैं. अगर हम सब मिलके इनके लिए कार्य करेंगे तो मैं समझती हूँ कि फिर बेटी को कोई ना स्वावलंबन की चिंता रहेगी, वो स्वावलंबन भी होगी, वो सुरक्षित भी रहेगी और जो उसने सपने देखे हैं उसके वो साकार होंगे. क्योंकि हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है. मैं केवल, कल से नवरात्रे हैं, आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए अपने विभाग के जो 3-4 कार्य उनकी जानकारी दे के अपनी बात समाप्त करूंगी कि हम अब जो हमारी संभाव जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं, आप सब जानते हैं, सभी मेरी बहनें बैठी हैं, कन्या सुमंगला हो, चाहे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हो, महिला हेल्पलाइन 181 में, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, निराश्रित महिलाओं को पेंशन, मिशन वात्सल्य, बहुत काम कर रहे हैं हम लोग. और जितने कार्य कर रहे हैं, मेरा सभी से आपसे यही आग्रह रहेगा कि इस कार्य को और आगे बढ़ाएं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने. बस इतना ही कहना है. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय. आज मिशन शक्ति का चौथा चरण
शुरू होने जा रहा है। ये यात्रा कैसी रही और इस चौथे चरण में क्या क्या विस्तार दिया गया है, क्या क्या समाहित होगा, हम कैसे इसे आगे ले जाएंगे, इसी पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। तीन दशक का इंतजार खत्म हुआ, आधी आबादी को उसका अधिकार मिला। सच तो ये है कि अनेकों बार संसद में पेश होने के बाद भी महिला आरक्षण का मुद्दा कुछ दलों की सियासत की भेंट चढ़ता आ रहा था। आखिरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति ने इस सियासी चक्रव्यूह को भेद दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब अटल सच्चाई बन चुका है। नारी सशक्तिकरण भारत के लिए वोट बैंक का नहीं बल्कि राष्ट्र कल्याण का, राष्ट्र निर्माण का एक समर्पित मिशन है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भारत के निर्माण में मील का पत्थर करार दिया। इस महायज्ञ में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा योगदान तब दिया जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान की आधारशिला रखी गई। मिशन शक्ति एक विजन है, ये विजन है प्रदेश की महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का। बहनें प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और उनके लिए नौकरी रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में या फिर उन्हें सेना में अब फाइटर पायलट के रूप में भी उन्हें जो स्थान प्राप्त हो रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पूर्ण हुए तीन चरणों में अभूतपूर्व लक्ष्यों की प्राप्ति की गई। आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 16,24,000 बेटियां लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 3,10,000 जोड़े लाभान्वित हो चुके हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 31,50,000 निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष के द्वारा जघन्य अपराध की 7,105 पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर योगी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित ही नहीं बनाया बल्कि उनके स्वावलंबन का पथ निर्माण भी किया। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश की नारी को आत्मनिर्भर बना रहा है। स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की 1 करोड़ महिलाओं को इससे जोड़ा जा चुका है। राज्य की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी को पदस्थापित करने का अभियान भी जारी है जिन्हें 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण में अनेकों योजनाओं के विस्तार और कार्यान्वयन के नए लक्ष्यों का संधान किया जा रहा है। इन योजनाओं के पीछे ताकत है डबल इंजन की सरकार की और प्रेरणा है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। बेटियों को सशक्तिकरण का उपहार, डबल इंजन की सरकार। अपनी संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच के साथ मिशन शक्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं के भीतर सुरक्षा का एहसास और स्वावलंबी होकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने के आत्मविश्वास को जगाकर उनकी प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करके विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया है माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और सच कहूँ तो शारदीय नवरात्र के पहले प्रदेश की महिलाओं के भीतर नारी की शक्ति स्वरूपा छवि की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं प्रदेश की महिलाओं की ओर से उन्हें प्रणाम समर्पित करते हुए बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपने मार्गदर्शन से हमें प्रेरणा दें और अपने आशीर्वचनों से हमारे उन अंदर नई ऊर्जा का संचार करें। आपकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के सम्मान समारोह में प्रदेश सरकार की महिला कल्याण
और बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, नारी शक्ति सम्मान और स्वावलंबन की प्रतीक तीन मातृशक्ति को आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, सम्मानित किया गया है, जिनमें श्रीमती ऋतु करधान श्रीवास्तव जी हैं जो इसरो की वैज्ञानिक हैं, उनका उद्बोधन आप सबने यहाँ पर अभी सुना है। श्रीमती हेमो प्रभा सोफिया पद्मश्री से सम्मानित हैं और इन्होंने स्वयं भी सुदूर पूरब में नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल वहां पे प्रस्तुत की है। और श्रीमती रोशनी नादर महलोत्रा जी का भी आपने उद्बोधन सुना है, जो सीओ हैं एचसीएल ग्रुप की। मैं इन तीनों का आज इस नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए आयोजित मिशन शक्ति के चतुर्थ संस्करण कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, औद्योगिक विकास और अवस्थापना के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी और प्रमुख सचिव महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, समारोह में विशेष रूप से उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, हमारे माननीय विधायक गण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित सभी प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, कल शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि का आयोजन भारतीय परंपरा में देवी के नौ रूपों के रूप में तीन प्रमुख महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के होती है। एक देवी का पक्ष जो शक्ति का होता है, एक जो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में होता है, और एक जो खुशहाली और ऐश्वर्य के रूप में होता है। और मुझे लगता है कि इसको आज महज संजोग न कहें, बल्कि यह उन तीनों के प्रतीक रूप के रूप में तीनों नारियों का सम्मान आज यहाँ पर हम नवरात्रि की एक दिन पूर्व यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें श्रीमती ऋतु करिधान श्रीवास्तव जी लखनऊ की ही बेटी हैं और इसरो की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान के सफलतम अभियान के उपरांत उनका आज लखनऊ आगमन हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया, वे यहाँ पर आए हैं। उनका आगमन अनेक बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। और कुछ भी असंभव नहीं, बस प्रयास की आवश्यकता है, एक बेहतर प्रयास। सफलता तो आपके पीछे पीछे घूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उनकी सफलता ने यह एक संदेश दिया है, जो इस सफलता हमेशा इस बात को मानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, वह इन तीनों व्यक्तित्वों ने, नारी गरिमा की प्रतीक तीनों, जो सशक्तिकरण की प्रतीक, तो तीनों बहनें यहां पर उपस्थित हुई, इस मंच पर हैं, तीनों इस बात की प्रतीक हैं कि नहीं, सब कुछ हो सकता है, बस
एक सब प्रयास की आवश्यकता है। वे यहाँ पर आए हैं और यहाँ लखनऊ उनका घर है, लेकिन कार्य कर रही हैं सुदूर दक्षिण में, कर्नाटक में कार्य कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का कार्य श्रीमती हेमोप्रभा सोफिया जी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, और आपने उनका उद्बोधन सुना है।